हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह हो चुकी है, मैंने आज सुबह से ही व्लॉग शुरू कर दिया था। मेरा थक गया था, सैटरडे था, ऑफिस जाना था, तो बस थोड़ा सा उठ के मैंने बाहर देखा, रश थोड़ा सा चेक किया, थोड़ी सी हवा लेने के लिए मैं बाहर गया था। सुबह उठ के मैं सबसे पहले यहीं आता हूँ बैल्कनी और थोड़ी सी हवा लेता हूँ, फ्रेश फील होता है, क्योंकि सुबह 8 बजे से उठ जाता हूँ, फजर वजर पढ़ के मैं सो जाता हूँ। खैर, बस फिर तैयार हुआ, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए रेडी हो गया। मैंने अपना वही ब्लैक सूट ही पहन लिया था और बस नाश्ते की तैयारी की। थोड़ा सा बच्चे बेगम तो सो रहे थे सब लोग, क्योंकि सैटरडे था तो मैंने किसी को जगाया नहीं, बस पापा उठे हुए थे, पापा ने चाय बनाई थी, मैंने वही पी ली और बस टोस्ट से मैंने जैम से खा लिया। और बस ऑफिस जाना था, बिकॉज सैटरडे में थोड़ा सा काम था मुझे ऑफिस में निपटाना था, इसलिए फ्रेश होके मैं जल्दी जल्दी तैयार होके बस ऑफिस के लिए निकल रहा था, क्योंकि जल्दी भी पहुंचना था। बस मैं निकल ही रहा हूँ। बस आज मैंने सोचा कि आज मैं बिल्कुल साइलेंट वीडियो बनाऊंगा और फिर उसके बाद वॉइस ओवर करूँगा, तो थोड़ा सा ये होता है कि मज़ा आ जाता है। सो बस अपने घर से बाहर निकल रहा था और लिफ्ट की तरफ मैं आ गया जल्दी से। मैंने बोला बस जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं ऑफिस, क्योंकि 2-3 काम निपटाने थे, फिर लेट हो जाते हैं ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाती है, इसलिए जाना बस जल्दी जल्दी मैं बस जो भी मैंने खाया पिया जल्दी से मैं निकल गया आज, क्योंकि आज तो मैच भी था, मैच का भी था, तो मैंने बोला जल्दी से मैं वापसी आ जाऊँगा हो गया काम निपटा के। तो जल्दी जल्दी मैं बस भागा रहा, कि जो नीचे बाइक भी आ गई थी मेरी, बाइक है, मैंने राइड बुक कर ली थी अपनी, और राइड का वेट नीचे वो वेट कर रहे थे, मैं जल्दी जल्दी दौड़ के जा रहा हूँ बस देखें। और बस यही था आज की रूटीन, मैंने थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में स्टार्ट की थी। मैंने बोला आज मैं बिल्कुल डिफरेंट व्लॉग बनाऊँगा, मैं बहुत दिखा रहा होता हूँ चीज़ें वीज़ें, तो मैंने यही सोचा बस मैं निकल गया हूँ फ्रेश। बहुत मज़ा आ रहा था आज, क्योंकि आज सैटरडे थी और जल्दी उठ गया था आज मैं फजर में, तो इसलिए बस ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं ऑफिस आ गया हूँ, ये ऑफिस की लिफ्ट है। आज मैंने थोड़ा बहुत ऑफिस का भी दिखा दिया। ये मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ और जो है ये मेरा पीसी है। ऐसे पता नहीं आज मैं ऐसे बना लिया बस व्लॉग, मैंने बस घर आ गया था, क्योंकि घर आना था मुझे जल्दी काम निपटा के। अब ये मैं थोड़ा सा अफसरदा हो रहा हूँ, क्योंकि मैच शुरू हो चुका था पाकिस्तान का। और बस आप सभी लोग वेलकम चैनल टूबा पाद की लाइफ। तो आप एक बात बताएं, इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, तो सबसे पहले अंदर जाके पूछते कौन पाकिस्तान। कोई भी जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हारता ही है और हम इसलिए दुख नहीं करेंगे, इसलिए हम इंडिया के साथ। अब देखते हैं अपनी दादी से पूछ। हम तो भाई जो पैसा दे देगा हम उसी के फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे मतलब इनकी दादी ने बहुत सारे पैसे लिए हुए पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, थोड़े ये सब बातें बोले इंडिया जीतेगी पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ है। तो आप अपनी छोटी बहन से पूछते हैं, बताओ इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। सबने पाकिस्तान को वोट दिया, लेकिन मैं आपको 100% 150% बता रही हूँ कि वो हारेगा हारेगा हारेगा, हमेशा ही हारता है। अल्लाह हाफिज। तो भाई सुनिए, तुम की बात है, अब दादा से दादा इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा बताओ। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा क्या बताओ, इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो भाई ये मैंने भाई से भी पूछा, भाई को कुछ भी नहीं था। अब चलते हैं अपने बाबा से आप पूछे। बाबा इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान? हाँ। अभी फिलहाल तो पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं मैच में, मैंने तो बंद कर दिया देखना, ये विकेट गिरे जा रही है, तो इसलिए होपफुली पाकिस्तान जीत जाए, बट आसार तो सही नहीं है, पाकिस्तान हार भी सकता है पाकिस्तान और जीत भी सकता है पाकिस्तान, क्योंकि अभी तो फिलहाल चल रहा है मैच और बैटिंग कर ली है पाकिस्तान, बैटिंग कर रहे हैं
और जो है विकटें भी गिर गई हैं, धड़ाधड़ विकटें गिर रही हैं। क्योंकि आज वैसे भी इंडिया टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग नहीं की, उन्होंने बॉलिंग की, तो लाजमी आते हुए उन्होंने चेक किया होगा ना पिच को, और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लाजमी बात अगर वो भी टॉस जीते तो शायद वो भी बैटिंग नहीं करते, बॉलिंग करते। खैर देखते हैं क्या होता है, तो खैर फैन बोलने वाली बातें होती हैं, जिसको जीतना होगा आज वो जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। हेलो गाइस, और फाइनली मैच शुरू हो चुका है, पाकिस्तान जो कि हारने में हो सकता है जीत जाए, मुझे नहीं पता। ये मोमो हैं, रोए हैं, सोते उठे हैं, और अभी 95 पे दो आउट हो चुके हैं। देखें क्या होता है, फाइनली पता नहीं जीतता है पाकिस्तान या हारता है, हमें नहीं पता। लेकिन ये ब्लॉग जब आएगा तो पाकिस्तान जीत भी चुका होगा, या पता नहीं, क्या पता हार भी चुका होगा। इंशाल्लाह मैं ब्लॉग भी जो है डालूंगा। आज की रूटीन कुछ खास नहीं थी, पाकिस्तान का मैच था, मैंने तो बहुत अच्छे से बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की जैसे जैसे विकटें गिरती गई मेरा मैं डिसअपॉइंट होता था, मैंने कोई ब्लॉग नहीं देखा, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था पाकिस्तान का मैच देखना, इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि ये हमेशा जो है ना डिसहार्ड ही होते हैं। हम अच्छा खेले तब भी डिसहार्ड होते हैं, बुरा खेले तब भी डिसहार्ड ही होते हैं, तो इसलिए देखने का दिल ही नहीं करता मैच मेरा। लेकिन बस क्योंकि टीम है हमारी तो दिल को मार नहीं सकते, तो इसलिए देख लेते हैं, लेकिन जब देखने शुरू होते तो हारने लगता है। सो खैर देखते हैं अभी क्या होता है, चल रहा है मैच। तो मोमो रो रहे हैं हमारे, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, पेटला ये पेटले, ये पेटले, ये भी रो खा कर। सो गाइस फाइनली हम लोग हार चुके हैं मैच, ऐसे ही पता, मुझे तो पहले पता था हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग खेल रहे थे ना, तो मुझे लग ही रहा था आएगा। यही होता पाकिस्तान इंडिया के मैच में, ये लोग हार जाते हैं, बहुत कम ही होता है कि ये लोग जीतते हैं। अब की दफ़ा तो लग ही रहा था ये लोग बहुत प्रेशर में खेल रहे थे। सो गाइस बस आज का दिन मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया, ब्लॉग कुछ किया ही नहीं मैंने, क्योंकि मुझे पता चल गया मैंने फेंक दिया, मुझे पता था हारेंगे लोग, इसलिए मैंने तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं ले रहा था। लेकिन फिर भी सजेस्ट था कि देखेंगे मैच को, थोड़ा बहुत देखा मैंने, एक जब विकेट गिरी ना दूसरी भी गिरी, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये लोग मुश्किल ही जीते हैं। फिर भी एक होप था जब इन्होंने छोड़ दे दिया, उसके बाद भी होता था चलता बॉलर कुछ कर लें, बट अनफॉर्चुनेटली बॉलर ने भी कुछ नहीं किया गाइस। सो फाइनली ये लोग हार चुके हैं, लेकिन अभी खैर वर्ल्ड कप से तो खैर बाहर नहीं हुए, अभी और भी मैचेस होंगे इंशाल्लाह, हो सकता है पाकिस्तान जीत जाए। एक इंडिया से हारने से कुछ नहीं होता, दो मैचेस जीते हुए पाकिस्तान ने भी, तो होपफुली आगे जिससे मैच है वो भी शायद जीत जाए। मैं वैसे ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा क्रिकेट को इस दफ़ा, क्योंकि मुझे कॉल जो स्टार्ट होता है इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं देखता मैच, थोड़ा थोड़ा सेंसन टिका हुआ आ रहा था ना, हाँ भाई हो गया, हाँ कभी कुछ जो होती है, हाँ बहुत अच्छा खेला था, तो मैं रिकैप कर लेता हूँ उसको। खैर फाइनली हार गए इंशाल्लाह, होप दी बेस्ट, अगले मैचेस में इंशाल्लाह देखेंगे लोग जीतेंगे, होगा बिल्कुल, मैचेस बहुत ही हैं, क्या पता फाइनल इंडिया पाकिस्तान का हो और पाकिस्तान जीत जाए, होता है ना। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।